महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में बारामती में एक बार फिर रोचक जंग देखने मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार अपने भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ बारामती के पारिवारिक मैदान पर चुनाव लड़े। आपको बता दें, शरद पवार के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी एनसीपी ने अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को बारामती विधानसभा से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। यह सीट बेहद हाई प्रोफाइल है और आप इस हाई प्रोफाइल सीट के मुकाबले का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि भतीजे के साथ चुनावी जंग पर अब एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार का भी पूरा आमना सामना होते हुए दिखाई पड़ेगा। भतीजे के साथ चुनावी जंग पर अब एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार भी अपना बयान देते दिखाई पड़ रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं पर, वोटर्स पर पूरा भरोसा है जिन्होंने उनका हमेशा समर्थन किया है। यानी अजीत पवार के चाचा ने बड़ा दाव खेला है और चाचा भतीजे को अब यहां लड़ा दिया गया है। दरअसल इंदापुर में एनसीपी के स्थानीय उम्मीदवार दत्तात्रेय भारने का नामांकन दाखिल करने पहुंचे अजीत पवार ने उनके भतीजे को उनके खिलाफ खड़ा किए जाने को लेकर सवाल जब उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की लड़ाइयां आम बात है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है, बारामती के लोग समझदार हैं और मुझे उन पर भरोसा है। अजीत पवार ने अपने बयान में कहा कि मतगणना के दिन 23 नवंबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। पिछले 7-8 चुनावों में बारामती के लोगों ने लगातार मेरा समर्थन किया है और पहले सांसद के तौर पर अगर देखा जाए और बाद में विधायक के तौर पर मैंने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया है। इस दौरान क्षेत्र में किए गए अपने विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लोगों से बारामती से अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना करने के लिए कहा है। आपको बता दें, अजीत ने अपने बयान में यह भी कहा कि जो भी संभव था वो मैंने किया। जब भी मैं चुनाव में खड़ा हुआ, बारामती के लोगों ने मेरा समर्थन किया है। पिछले चुनाव में मैं 1,60,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीता था। मुझे बारामती के लोगों पर भरोसा है, उन्हें मुझ पर भरोसा है। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं 28 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करूंगा। सत्तारूढ़ महायुति सहयोगी अभी भी 288 विधानसभा सीटों में से 11 के बंटवारे पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आवंटित सीटों का 10% निर्धारित करेगी। इसके साथ ही अजीत पवार ने एक और बात कही जिसकी खूब चर्चा है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कुछ नामों की घोषणा कर दी है, 11 सीटों के लिए हमारी चर्चा चल रही है, हम सभी को खुश नहीं कर सकते। आपको बता दें, एक दिन पहले ही अजीत पवार ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था। एनसीपी ने कुल 45 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और दो लिस्ट इनकी आ चुकी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं, वापस अगर बारामती की सीट पर लौटे तो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि योगेंद्र के मैदान में आने से अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ी हैं। अजीत बारामती से अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन 8वीं बार उनके लिए रास्ता कठिन है, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार हैं और दूसरी तरफ पूरी पवार फैमिली, यानी पवार फैमिली वर्सेस अजीत पवार जैसी स्थिति दिख रही है। अजीत पवार ने जुलाई 2023 में अपने सगे चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी, आप सब जानते हैं। एक पॉलिटिकल क्राइसिस से महाराष्ट्र उस वक्त गुजरता हुआ दिखाई पड़ा था। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वो शामिल हो गए थे। पार्टी का बड़ा गुट अजीत पवार के साथ आया था। शरद के हाथ पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं लगा और इस पर अजीत गुट का ही कब्जा है। शरद पवार ने इस साल लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी और अजीत पवार को उनके गढ़ बारामती में ही करारा झटका दिया था। दरअसल बारामती को पवार परिवार का ही गढ़ माना जाता है। यहां पर विधानसभा चुनाव में अजीत और लोकसभा चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ही जीतती आई है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में समीकरण बदल गए। शरद गुट से सुप्रिया तो खुले मैदान में उतरी, लेकिन अजीत पवार ने अपनी बहन के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा को मैदान में उतार दिया। आम चुनाव के प्रचार में श्रीनिवास पवार और उनके पूरे परिवार ने सगे भाई अजीत के साथ अजीत का जो साथ था छोड़ दिया और चचेरी बहन सुप्रिया का समर्थन कर दिया। श्रीनिवास के बेटे योगेंद्र ने अपनी बुआ सुप्रिया की जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया था। नतीजे आए तो सुप्रिया चौथी बार बारामती से चुनाव लड़ती दिखाई पड़ी, जीतती दिखाई पड़ी और अजीत को झटका लगा। वहीं अब विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने योगेंद्र को मेहनत का इनाम दिया है और अजीत से बगावत का बदला लेने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग जमीन पर की है। बारामती विधानसभा सीट पर योगेंद्र पवार अपने सगे चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। इस चुनाव में अजीत पवार की प्रतिष्ठा दांव पर है और यह चुनाव उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है। 1993 से बारामती विधानसभा सीट से लगातार अजीत पवार चुनाव जीतते रहे। अजीत पवार ने 19 में बारामती विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट को
165,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हराया था। फिलहाल चाचा भतीजे की लड़ाई महाराष्ट्र में बहुत चर्चित रही है और इस बार पीढ़ी बदल गई है, लेकिन लड़ाई चाचा भतीजे की ही चर्चा में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।